रियल लाइफ में हमने कई बार देखा है कि एक पुलिस ऑफिसर की पर्सनालिटी कितनी पावरफुल लगती है। हम इंडियंस तो ऐसे हैं कि अगर कहीं पुलिस देख ली तो यू टर्न लेकर वापस, मतलब इन शॉर्ट पुलिस ऑफिसर्स काफ़ी दमदार होते हैं। वैसे ही रियल लाइफ हीरोज जो पुलिस के रोल को फिल्म्स में निभाते हैं उनका भी कुछ अलग ही स्टाइल होता है। कुछ के फेमस डायलॉग्स होते हैं तो कुछ का डिफरेंट स्टाइल, कुछ को देखकर थिएटर में सीटियां बजती हैं तो कुछ को देखकर एकदम रियल पुलिस ऑफिसर वाली फीलिंग आती है। जब कभी भी बॉलीवुड कॉप यूनिवर्स की बात उठती है तो हम अक्सर सिंघम सीरीज, जंजीर या फिर दबंग का नाम लेते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी फीमेल एक्ट्रेसेस को भूल ही जाते हैं। उन्होंने भी सिंघम की तरह गुंडों को हराया है, चुलबुल पांडे की तरह आइकॉनिक डायलॉग्स बोले हैं, और इंस्पेक्टर विजय खन्ना के जैसे भी उनका भी काफ़ी पावरफुल ऑरा था। इतने सब के बाद भी क्यों भूल जाते हैं हम इन आइकॉनिक रोल्स को? हेलो, मैं हूँ नव्या इन श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे उन फीमेल स्टार्स की जिन्होंने बॉलीवुड में एक पुलिस के रोल को इतने अच्छे से प्ले किया कि वाकई जान डाल दी। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिन्होंने स्क्रीन पर अपने एक्शन सीक्वेंसेस से सुपर हीरोज को भी चैलेंज कर दिया, यानी रानी मुखर्जी की। अगर आपने रानी मुखर्जी को मर्दानी में देखा है तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। मर्दानी में रानी के रोल को अब तक उनका वन ऑफ द बेस्ट कहा जाता है। शिवानी शिवाजी रॉय ने जिस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस को सॉल्व किया वो काबिले तारीफ था। स्क्रीन पर तो रानी ने जो मैजिक किया क्या ही बताऊं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि रानी की एक्टिंग इतनी अमेजिंग होगी कि उन्हें फीमेल कॉप यूनिवर्स में बेस्ट कहा जाने लगेगा। हम बात करेंगे दृश्यम में तबू के रोल की। दृश्यम में अजय देवगन के कैरेक्टर को इतनी बखूबी लिखा गया था कि उनके रोल के आगे सभी फीके लगते, लेकिन तबू ने तो सीन ही बदल दिया। उनका कैरेक्टर मूवी में थोड़ी देर बाद आता है, लेकिन जो एक्टिंग उन्होंने की वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि लोगों को एक बार फिर सोचना पड़ा कि फिल्म में मेन लीड अजय है या तबू। अब बात करेंगे थर्सडे में नेहा धूपिया के रोल की। प्रेगनेंसी काफ़ी टफ होती है, ये तो सबको पता है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई एक मंथ प्रेग्नेंट होकर भी फुल टाइम काम कर सकता है? एक पुलिस ऑफिसर के रोल को कर सकता है? थोड़ा अनयूजुअल है ना, क्योंकि ऐसे में आपको एक्शन सीन्स भी करने होते हैं, भागना भी पड़ता है, काफ़ी स्ट्रेस भी होता है। लेकिन नेहा धूपिया ने थर्सडे में ऐसा ही कुछ किया। 8 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद भी नेहा ने पुलिस के रोल को काफ़ी अच्छे से किया है, इनफैक्ट काफ़ी इंटेंस परफॉर्मेंस दी। कॉप यूनिवर्स की बात करें और प्रियंका चोपड़ा को भूल जाएं, ये तो मुमकिन नहीं। हमारी देसी गर्ल ने भी कई फिल्मों में पुलिस ऑफिसर की एक्टिंग की है, चाहे डॉन हो या गुंडे या जय गंगाजल। उनके रोल्स उनकी ही तरह सुपर से ऊपर थे। उनके फैंस को डॉन में उनका रोल सबसे ज़्यादा पसंद आया था। फिल्म में एस आर के तो थे ही, लेकिन प्रियंका ने भी अपना जादू सब पर चलाया।